टाइटैनिक के 110 साल के बाद भी कायम है उसके डूबने के रहस्य। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में दो जगह चीरवर्ग नॉर्थन फ्रांस और क्यूब आइलैंड में सफर के चौथे दिन ही उत्तरी अटलांटिक सागर में एक हिम पर्वत से टकरा गया। तब ये जमीन से 640 किलोमीटर दूर था, जिसके बाद जहाज में पानी भरना धीरे धीरे शुरू हो गया और टक्कर के 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह पानी में डूब चुका था। इसकी डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस ने जहाज के इंजन को रिवर्स चालू करने का ऑर्डर दिया और जहाज पर लेफ्ट मोड भी लिया गया था, लेकिन यह आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं था। यदि 30 सेकंड पहले और पता लग जाता है तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। यह एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो चुकी थी। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। इस हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए।